ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात हो गई कि बुशमैन जो है, बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करती है। 20 वर्षों से जनजाति निवास कर रही है और लगभग 10,000 से भी कम इनकी जनसंख्या है। अब धीरे धीरे जनसंख्या कम होती जा रही है। दूसरा, ये लोग आखेटक के रूप में, खाद्य संग्रह के रूप में होते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। इनका कद नाटा होता है, छोटा होता है, ठीक है, और ये निगेटो प्रजाति से संबंधित होते हैं। निवास क्षेत्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य निवास करते हैं और एक स्थान है उसका नाम है बेचवाना लैंड। तो बेचवाना लैंड में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो लोग हैं जो बेचवाना लैंड में रहते हैं, बुशमैन जनजाति, ये बुशमैन जनजाति जो है उपोष्ण घास के मैदान में निवास करती हैं। उपोष्ण घास के मैदानों में निवास करती हैं। उपोष्ण घास के मैदानों में निवास करती हैं। ठीक है, तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तापमान अधिक पाया जाता है तो मोस्टली यहाँ तापमान अधिक इसलिए होता है, कारण क्या है, क्योंकि ये जो रीज़न है ये ऐसा रीज़न है जहाँ पर तापमान अधिक देखने को मिलता है, घास के मैदान देखने को मिलते हैं। और ये मुख्य रूप से जो रीज़न है ये चार और अन्य रीज़नों से घिरा हुआ है, और उसमें है महत्वपूर्ण कौन कौन से रीज़न आते हैं। एक आता है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, फिर आता है नामीबिया, नामीबिया, अंगोला, अंगोला और बोत्सवाना, बोत्सवाना। ये चार रीजन से ये बेचवाना लैंड घिरा हुआ होता है, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला और बोत्सवाना। इन चारों रीजनों से कौन सा रीजन घिरा हुआ है, ये बेचवाना लैंड घिरा है। तो आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि बेचवाना लैंड कहाँ स्थित है या बेचवाना लैंड में कौन सी जनजाति निवास करती है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण होगी, अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री अक्षांश के मध्य ये जनजाति निवास करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो एक तरह से उबड़ खाबड़ रीजन है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए कि बेचवाना लैंड की जो जलवायु है वो अर्ध उष्ण जलवायु है, अर्ध उष्ण जलवायु कहाँ की, बेचवाना लैंड की। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर रीज़न इस तरह का देखने को मिलता है कि यहाँ तापमान अधिक देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, यहाँ तापमान अधिक है, वर्षा की कमी है, ठीक है, तापमान अधिक पाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा भी कम होती है, वर्षा की मात्रा कम, और लगभग वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा यहाँ पर होती है, ये इम्पोर्टेंट है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, वो एक अलग फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप की, कि आर्थिक क्रियाकलाप इनका किस प्रकार का है, आर्थिक क्रियाकलाप में कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जो ये प्रयोग में लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप,
नंबर वन, आर्थिक क्रियाकलाप में ये क्या करते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इनकी होती है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये भाले से, भालेनुमा जो हथियार होता है तो भालेनुमा हथियार से, हथियार से पशुओं का शिकार करते हैं, पशुओं का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये लोग आखेटक होते हैं, ये ध्यान रख लेना। आखेटक होते हैं क्योंकि शिकारी होते हैं, इसलिए आखेटक होंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये लोग आखेटक होते हैं, ठीक है। आखेटक होने के साथ साथ ये तीर कमान का प्रयोग में लेते हैं, तीर कमान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आखेटक होते हैं, तीर कमान का ये प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरा, जो बड़े शिकारी होते हैं, मतलब जो बड़े जानवर होते हैं, बड़े जीव जंतु होते हैं, बड़े जीव जंतु को गड्ढों में धंसाकर ये उनका शिकार करते हैं, तो बड़े जीव जंतुओं को गड्ढों में धंसाकर उनका शिकार करते हैं कौन लोग? एस्किमोस। ठीक है, और जो बड़े जीव जंतु होते हैं या छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी बोली निकालने में माहिर होते हैं। तो जंतुओं की बोली निकालने में माहिर होते हैं, चतुर होते हैं। जिसके माध्यम से वह उनको आकर्षित करते हैं और फिर उनका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भोजन की बात करते हैं कि इनका भोजन क्या होता है, भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, फिर हम भोजन की बात करते हैं कि भोजन ये किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो हमारी बात हुई आर्थिक क्रियाकलाप पर, अब हम बात करते हैं भोजन के रूप में कि भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं। तो हेडिंग हो जाएगी है भोजन, नंबर वन, ये सर्वभक्षी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, खाना भी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और सर्वभक्षी होते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं। एक बार में आधी भेड़ खा जाते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, इसमें इनका जो प्रिय भोजन के रूप में दीमक, चींटियां वे अंडे,
इनके प्रिय भोजन है। प्रिय भोजन के रूप में ये क्या ग्रहण करते हैं? प्रिय भोजन के रूप में दीमक, चींटियां वे अंडे ग्रहण करते हैं। ये खाने के भोज्य पदार्थ हैं इनके। ठीक है, भोजन फ्रेश भी हो सकता है और नहीं तो बासी भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है और उष्ण जलवायु पाई जाती है तो स्टोरेज करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं होता, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब बात करते हैं वस्त्रों की, कि इनके वस्त्र कैसे होते हैं। देखिए, वस्त्र का सिंपल सा लॉजिक है, जो पुरुष होते हैं वो कम वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियां भी मोस्टली कम वस्त्र पहनती हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ की जलवायु, कि जलवायु इस प्रकार की उष्ण होने के कारण, जलवायु जो अधिक गर्म है इसलिए वस्त्र बहुत कम होते हैं और विशेषकर जो स्त्रियाँ होती हैं वो एक चोगानुमा एप्रन टाइप का पहनती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? चोगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चोगा क्या है, तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि चोगा क्या होता है। ठीक है, और इसी स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया जाता है? क्रॉस। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस क्या है, ऐसे पूछा था, क्रॉस क्या है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्रॉस क्या है? तो बुशमैन जनजाति का वस्त्र, बुशमैन जनजाति का वस्त्र, बुशमैन जनजाति का क्या है? ये वस्त्र है जिसको बुशमैन जनजाति वस्त्रों के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है दोस्तों, और या फिर एक प्रश्न या तो ऐसे बन सकता है, क्रॉस क्या है, या पूछ ले चोगा क्या है। तो चोगे को स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया जाता है? क्रॉस। ये ध्यान रखना, चोगे को, चोगा जो होता है, चोगे को स्थानीय भाषा में नाम कहते हैं क्रॉस। और ये कौन धारण करती है? स्त्रियां। ये ध्यान रखिएगा, कौन धारण करती है? स्त्रियां धारण करती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, फिर हम बात करें कि इनके औजार वे बर्तन किस प्रकार के होते हैं। औजार वे बर्तन, तो औजार वे बर्तन जो होते हैं वो तीर कमान के रूप में इनके औजार होते हैं। नुकीला डंडा होता है, बाहला होता है। ठीक है, ये इनके प्रमुख औजार होते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को ये घिसकर नुकीला बनाकर और तीर के रूप में काम में लेते हैं, तो ये इनके प्रमुख औजार हो जाते हैं। समाज और संस्कृति की बात करें तो समाज संस्कृति में इनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। छोटे छोटे दलों में निवास करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लिख लीजिए समाज और संस्कृति। समाज में संस्कृति की बात करें तो छोटे दलों में निवास करते हैं। छोटे दलों में निवास करते हैं ये लोग, छोटे दलों में निवास करते हैं, और छोटे दलों में निवास करने के कारण इनमें धार्मिक परंपराएं होती हैं। बुशमैन में धार्मिक परंपराएं होती है, संस्कार होते हैं और विभिन्न प्रकार की कलाएं करते हैं। ठीक है, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की कलाएं इनको आती हैं। वे
विभिन्न प्रकार की कलाएं। विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण होते हैं। धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज वे विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जादू टोनों और भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। जादू टोने वे भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। दो भगवानों में विश्वास है इनका। जिसे पूर्व व पश्चिम का देवता, पूर्व व पश्चिम के भगवान, पूर्व व पश्चिम के भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के भगवान होते हैं, पूर्व का भगवान और पश्चिम का भगवान। इस प्रकार से वातावरण से लोग समायोजन करते चले जा रहे हैं। शिकार का ही जो पैटर्न होता है, क्योंकि इनके खाने योग्य कोई वस्तु नहीं होती, तो शिकार एक ही इनका प्रमुख रूप होता है कि शिकार के माध्यम से ही अपने उदर पूर्ति करते हैं, और शिकार के माध्यम से जो भी इन्हें प्राप्त होता है उसको ये बेच कर कुछ अर्थव्यवस्था के रूप में कुछ ग्रहण करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप। इम्पोर्टेंट है समाज व संस्कृति इनकी। ठीक है, इन जनजातियों पर अन्य जनजातियों द्वारा, या लिख लीजिए, यानी कि बुशमैन पर अन्य जनजातियों द्वारा बुशमैन पर अन्य जनजातियों द्वारा आक्रमण किया जाता है। जिसमें हॉन्टॉन्ट प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आधुनिक संस्कृति से जो उनका संपर्क हो रहा है, बाह्य संस्कृति का प्रभाव इन पर पड़ता है, और स्थानीय व्यापारियों और वस्तुओं के साथ इनका विनिमय होता जा रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो हमने चर्चा कर ली। इस प्रकार से आपका बुशमैन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और इम्पोर्टेंट है बुशमैन टॉपिक। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, आप इसका ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ। लास्ट हमने एक्सकिमो के बारे में पढ़ा था, और एक्सकिमो के आज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, और उनकी संस्कृति का संबंध किस प्रकार से है इसको हम देखना चाहेंगे। इम्पोर्टेंट बात है, आप नोट करते चलें। जिस प्रकार से एक्सकिमो से हमने पहले डिस्कशन किया था कि इसका जो निवास क्षेत्र है या यह कहाँ कहाँ निवास करते हैं, वो हमने डिस्कशन कर लिया है, और आज हम एक इसके आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे, वो क्यों महत्वपूर्ण है और वो किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों।